just go to hell. Oh, the fuck. क्या इधर कूड़े मार दूँगी कट दाऊ मच शाहरुख खान मच चाय के पी सकते हम यहाँ आ गए हैं रेलवे स्टेशन जहाँ पे हम चाय पीने आते हैं। ये है अपना जिंद का रेलवे स्टेशन, छोटा सा प्यारा सा। मीट माय फ्रेंड नवीन। नेहा है वो कहाँ है ये भी हेलो आई एम सॉरी हेलो आर यू फाइन जस्ट गो टू हेल व्हाट इज दिस बिहेवियर थक गई वेट करके आई हेट यू टू ये की है क्या शॉपिंग करती थी शॉपिंग ज़्यादा पैसा हो जाने के कारण पता नहीं चल रहा काम रखना है ज़्यादा पैसा क्या नहीं चाहिए पर्स फिर पर्स लेके पूरा आने की जरूरत थी हे 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 ला 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 चाय पियोगी चाय पियोगी हैं तो बोल दे क्या दुकान है नवीन अकल पे बुला ले नवीन तो यहाँ नवीन के साथ वहाँ चलेंगे नवीन के साथ वहाँ चलेंगे चलेंगे रूठी फोन कट रहे थे फिर भी नुको है कि कॉल पे है अरे क्या हो गया था पता नहीं यार अब आ रही आवाज ऊपर के चालांगे पर लगाना बोल तो रही थी सुन तेरी सारी बात सुन रही थी यहां बाग नहीं आ रही का एंड ऑल अच्छा नो अबाउट नहीं आ रही का ना वो कैसे अच्छा आई नो डू आई नो गुस्सा है गुस्सा होगी हैं गुस्सा होगी पर कन ओहो सही कहा भाई देख बाल नहीं करेंगे तुम में होगा चाय पियेंगे स्टेशन वाली चाय बट अच्छी वाली चाय होती है स्पेशली बनवाते हैं हम और अच्छी चाय बनाते हैं अंकल यहाँ हम पी के जाते हैं काफ़ी टाइम तो चलो तुम्हें चाय पिलाते हैं आज कड़ा है हैं इतने तो कुछ भी ना था यार खाली था सारा का सारा ट्रेन आंधी होगी जहां तक बाट में बैठे हैं लोग उस तरफ खाली है हां उस तरफ खाली है अंकल तो कहां आज अंकल कहां गए अंकल ये है वो स्टॉल अकेले आके यहां पे अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना सबसे दूर छोटा सा प्यारा सा हमारा स्टेशन अपने लिए क्या लेके आए हो
नेटवर्क प्रॉब्लम होती है एक आधी बार वो अपनी आवाज वापस सुना देती है। खुद छोड़ने ना मेरे बड़कन ले का होगा सारी वाला लाइफ तो तुम्हारी सारी होती है। बुलावे को नहीं अपना यार बुलावे न को यू डगर गुजरात है। हां गुजरात है गुजरात में तो अपना काय की गुजरात में काम बहुत ज्यादा है भाई। हां ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा लेडीज ज्यादा वो करा बिजनेस वहां पर वहां पर काम करू ना वो गुजराती है क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है देखा करा ना काम कंप्यूटर बैठा रहो तोरा मतलब यहाँ अपना अपना टैलेंट यहाँ वेस्ट कर रहे हो मतलब अपना गुजरात आ जाओ मैंने क्या होता है फैमिली प्रॉब्लम है थोड़ी बर्गर खाना नहीं आता देख लो सर नीचे पैर ऊपर ही तो करना है बर्गर खा लो आर यू हंग्री भूख लग रही है खाने खाना मैं तो खाने लग रहा हूँ मैं क्या या वहाँ तो आई है ड्यूटी से आई है थक गया रैना इज कमिंग चबाओ आजा आजा तू भी आजा इसके स्वागत कर रहे हैं मोटा क्या क्या वो पचर भी होगी नरी बर्गर खाका पेट लिड़ गया सिक्स पैक की जगह फैमिली पैक होगा देख मार्केटिंग में ये चाहे है इसने बहुत कमजोरी से पिलाया मैं इसलिए ये चाय बहुत तीखी है पता नहीं उस टाइम पे हां अपना बैग भी खा रही थी मैं फिर नवीन ने रिजेक्ट कर दिया वो बैग कौन सा बैग इस बैग से काम नहीं पड़ रहा चुप हो जा चुप हो जा बताया जाओ था किसका फोन है क्या था मैं छोटा छोटा कहने लग रही हूँ सुनता कोई तो नहीं
सटाप हो पैसे खा दिए चाय के पैसे खा दिए पकड़ के देखा मैं तो पीछे लिखा नहीं अपनी जुबान के लिए भी दर्शन रहा ध्यान से देखो इस खौफनाक चेहरे को ऐसे रख के नहीं देती यही है मुझे मारने वाली डर लगता है डर देख रहा डर ये खौफ चेहरे में नाखून लग गए ये तेरे ये खौफ राक्षस समर के राक्षस समर के नाखून लग देंगे बिस्कुट का पैकेट और तेरे को तेरे खा जाएंगे बेचारा आया था मेरे तरह तभी तो क्या जाता है इससे देख लो और दिमाग का नाम हो गया तेरा गौर से देखो यही है वो मुझे मारने वाली पागल माचो शाहरुख खान चाय के पीछे ये हैं ऐसे ऐसे नमूने पाल रखे हैं मैंने देख लो ऐसा नहीं बोल रहा रे जा गुजरात जाते बजट दे ढोकला फाफड़ा खाकरा जीन छोड़ के जाओ तो धरती का बहुत खाली हो जींद का मारे दिन अच्छे आ जाएंगे हाँ चले अंकल जी राम राम बहुत अच्छी चाय बनाते हैं यहाँ पे आके जरूर पिए कितने साल से होंगे जी आप यहाँ पे बीस बाईस साल है बहुत काट दिए 20-22 साल की तो मारी उम्र हो रही अंकल ने आड़े काट दिए
कितने साल के हो तुम? अरे यार कहने की बात है कितने बूढ़ा हो रहा मैं झूठा है ये लौंडा 22 साल का अंकल ने 6 साल ज्यादा होंगे वैसे 25 के भी नहीं होगी 25 के भी होगी कोई दिक्कत नहीं 30 के जब भी कोई दिक्कत नहीं सही बात है अंकल का एक्सपीरियंस इतना हो गया देख ले यहाँ पे इसीलिए चाय अंडी बनाए हैं तभी वो अच्छी तू भी लग जाड़ है ना अच्छी चाय बनाते हैं ये देख लो इनकी ये स्टॉल है तो यहाँ पे आकर जरूर पियो हाँ जरूर से जरूर काफ़ी टाइम हम यहाँ पे आते हैं अंकल अच्छे से सर्व करते हैं और हर एक चीज़ में बेस्ट है आए ज़रूर हाँ पोलाइट नेचर है और कभी भी देखिए कैसे माय गॉड क्या अरे एग्जाम में देते मैंने सोचा दे दिए वर्कर रखूंगा 10-15-20 इसने तो पहले रख लिया इसने बर्तन मांजने रख लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बर्तन मांगने जो मिला बार भी पैसे देकर दो लगा है सरकारी ये भी सरकारी नौकरी हटाऊं कौन बुढ़ापे थी सब ऐसे बर्गर खा लिया चाय पी ली सब कुछ मस्त एकदम फिट तो हो गया अंधेरा हमने सोचा कि चलो चलते हैं वहां से घूम कर आए हम ऊपर से एंड बाइक के पास गया मैंने सोचा चलो अब एयरपोर्ट से निकाल लेता हूँ और गाने वाने सुनते चलेंगे बड़े मौज मस्ती में एक नवीन लगा लेगा एक मैं लगा लूँगा भाई साहब मैंने जिंदगी में पहली बार ऊपर वाली पॉकेट में कुछ सामान रखा था और वो उसी टाइम पता नहीं कहाँ गिर गया मुझे पता भी नहीं चला बोट के एयरपोर्ट से वो भी मैंने 2 दिन हुए थे मंगवाए थे मैंने ये वाले और क्या बताऊँ अब ये बस एक ही रह गया है और वो दूसरा वाला गुम हो गया यूज़ भी नहीं कर पाया गुम भी हो गया ऊपर से मैंने इसके रिप्लेसमेंट का फ्लिपकार्ट पर रिप्लेसमेंट के लिए भी डाला हुआ था कुछ प्रॉब्लम थी इसमें वो फ्लिपकार्ट वाले भी आके सुनाएगा मेरे को इस तरह से मेरे को चाय है ना ये चाय बहुत महंगी पड़ गई यार तुमने कभी भी कुछ भी पता नहीं कि वो सही नहीं होता मेरी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है तो पता नहीं क्या होगा क्या हो रहा है लाइफ में कभी कभी ऐसा लगता है यार क्यों व्हाई मी ओके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में